The fifth part of botany, the reproduction in flowering plant. The last topic, aponics and polyandry. तो सबसे पहले हम बताएंगे, what is aponics? Aponics क्या है? Aponics होता है कि the formation of zygote. Formation of zygote without fusion of gamete, बिना गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट या कह सकते हैं एम्ब्रियो बनेगा वो कहलाता है एपोमिक्स, या सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड या एम्ब्रियो इज नोन एज एपोमिक्स. बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड या एम्ब्रियो बने उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोमिक्स. वही एपोमिक्स वो मतलब कैसी प्रोसेस है, ये है अकिन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अकिन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकिन्स का मीन्स होता है अकिन्स. इज अ टेक्निकल नेम इट मीन्स सेम. इसका मतलब है सेम. हम इसको एक और चीज कह देते हैं, इट इज द मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम ये कह देते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कॉपी है. तो ये हम एपोमिक्स के बारे में जानते हैं. देखिए एपोमिक्स टू टाइप्स की होती है. एपोमिक्स टू टाइप्स की होती है, दो टाइप्स होती है. द फर्स्ट इज ए गैमोस्पर्मी कर देते हैं. And second one is adenium, a gamosperm. तो a gamosperm क्या होता है? A gamosperm होता है कि भाई asexual process से या बिना किसी fusion से एम्ब्रियो का बनना, बिना किसी फ्यूजन से एम्ब्रियो का बनना. तो अब ये देखिए, ये कहता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म एम्ब्रियो, बिना गैमेट से बनाना वो कहलाता है, एम्ब्रियो बनाना वो कहलाता है ए गैमोस्पर्म. ये ए गैमोस्पर्म तीन टाइप का होता है. ये थ्री टाइप्स. देखिए फर्स्ट इज एपोस्पोरी, सेकेंड वन इज डिप्लो Diplo
scoring. And third one is the diploid parthenogenesis. Diploid parthenogenesis, stream type of एंकोस्पोरी का मतलब हुआ एम्ब्रियो फ्रॉम एम्ब्रियो बनी फ्रॉम किससे न्यू सेलर सेल्स एम्ब्रियो न्यू सेलर सेल्स से बने वो कहलाता है एंकोस्पोरी. एग्जांपल इज रानकस रैंकस डिप्लोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी का हो गया मेरे पास डिप्लोस्पोरी हो गया कि डिप्लोइड ये हो गया हमारे पास डिप्लोइड एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट बना दे एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना. Example is F12. This is diploid parthenogenesis. देखिए diploid parthenogenesis में क्या होगा कि diploid egg form the embryo form. The embryo without fertilization. Without fertilization. The example is spore. तो ये हमारे पास एक एंकोस्पर्मी था. Adaptive embryo. इसके अंदर होता है कि द एम्ब्रियो फॉर्म अदर देन न्यूक्लियस की बजाय और किसी पार्ट से यहां हम कह सकते हैं embryo form new cells and entombment. Embryo new cells से entombment से बने वो कहलाता है Adaptive एंकोस्पर्म या this type of embryo is known as adaptive embryo. इस टाइप का एम्ब्रियो क्या कहलाया एडेप्टिव एम्ब्रियो. देखिए हमारे पास इसका एग्जांपल है सिट्रस एंड ऑबंसिया नागफल. देखिए यहां पर एम्स और नीट एम्स ने 2012 में क्वेश्चन पूछा था और नीट में 2017 में क्वेश्चन आया था 2017 कि सिट्रस के अंदर 40 एम्ब्रियो होते हैं. सिट्रस में 40 एम्ब्रियो होते हैं तो हाउ मेनी एम्ब्रियो इज नॉर्मल कितनी मात्रा में एम्ब्रियो है वो नॉर्मल होंगे. तो इसमें देखिए 39 जो एम्ब्रियो है 39 जो एम्ब्रियो है वो एडेप्टिव होते हैं. जो एक एम्ब्रियो बच गया
वो है नॉर्मल एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो बच गया वो नॉर्मल है। देखिए इन केस, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये देखिए नॉर्मल एम्ब्रियो जो बन रहा है आप देखिए 40 एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मोर देन 2 एम्ब्रियो द प्रोसेस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियो, अगर 2 से ज्यादा एम्ब्रियो है वो प्रोसेस कहलाती है पॉली एम्ब्रियो। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पॉली एम्ब्रियो है, पॉली एम्ब्रियो है, पॉली एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगा बाय क्लीवेज, बाय क्लीवेज, सो कॉल्ड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो। अगर पॉली एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन फॉर्म, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, पॉली एम्ब्रियो टू फर्टिलाइजेशन फॉर्म 2 or 3 दैट इज नोन एज सिंपल पॉली एम्ब्रियो, सिंपल पॉली एम्ब्रियो, ये बिल्कुल सेपरेट है। ये पॉली एम्ब्रियो फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन, पॉली एम्ब्रियो फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन दैट इज नोन एज सिंपल पॉली एम्ब्रियो। एक प्लांट है एलियम ओडोरियम, ओडोरम, एलियम ओडोरम, इसके अंदर 5 एम्ब्रियो बनते हैं, इसके अंदर 5 एम्ब्रियो फॉर्म, आर आर डिफरेंट पार्ट, आर आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट मेथड, फ्रॉम डिफरेंट मेथड, जितने भी बनते हैं वो सारे अलग अलग मेथड से बनते हैं। जैसे एक एम्ब्रियो बना, एक एम्ब्रियो बना जाइगोट से, दूसरा एम्ब्रियो बना, एक एम्ब्रियो बना, एक एम्ब्रियो बना सनर्जेट सेल से, सनर्जेट से 2 एम्ब्रियो बने एंटीपोडल से, एंटीपोडल से तो 1 एम्ब्रियो बना, वो बना एंट्यूबमेंट, एंट्यूबमेंट ऑफ ओवरी। तो ये सारे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस है। अब लास्ट इसमें आ जाता है इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको पता है कि सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। सिग्निफिकेंस होगा कि भाई एक तो इसका जो क्लोन बनेगा, एक इसका क्लोन बनेगा वो डिजीज फ्री होगा, क्लोन बनेगा वो डिजीज फ्री होगा और ये बेटर यील्ड देगा, क्योंकि ये क्या बनता है हाइब्रिड, क्या बनता है ये हाइब्रिड, तो ये बेटर यील्ड देगा, बेटर यील्ड देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसानों को बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात ये इसका जो इस्तेमाल है वो हाइब्रिड, इसका जो ये एम्ब्रियो है इसका हाइब्रिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट ये मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ओबे करता है। इसी के साथ हमारा 5 पार्ट